तो चलिए गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि आप भी अपनी ऐप्स को मूव कैसे कर सकते हैं एसडी कार्ड में। आपको सबसे पहले आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जब आप आखिरी में आना है सिस्टम में स्क्रॉल डाउन करके, फिर आपको जाना है डेवलपर ऑप्शन में। डेवलपर ऑप्शन में आपको फिर नीचे आना है। डेवलपर ऑप्शन जब आप जनरेट कर लेंगे उसके बाद फोर्स अलाउ ऐप्स, इसको आपको ऑन कर देना है। ये जो फोर्स अलाउ ऐप्स ऑन एक्सटर्नल लिखा है इसको आपको ऑन करना है। डेवलपर ऑप्शन आपको कैसे लाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। डेवलपर ऑप्शन लाने के लिए आपको जाना है अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में जब आप बिल्ड नंबर पर ट्रिपल टैप करेंगे तो आप डेवलपर ऑप्शन ला सकते हैं अपने फ़ोन में, यानी आप डेवलपर बन जाएंगे। ठीक है, अब आपको बता देता हूँ क्या करना है। अब आपको जाना है आपकी स्टोरेज में। स्टोरेज में लिखा है एसडी कार्ड में पोर्टेबल स्टोरेज। अब आपको क्लिक करना है उसके बाद, और आपको ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको स्टोरेज सेटिंग में जाना है। ये लिखा है यहाँ पे फॉर्मेट एस इंटरनल। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है, और उसके बाद आपको आपके एसडी कार्ड को फॉर्मेट करना है। ये देखिए लिखा है नीचे इरेज एंड फॉर्मेट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये आपकी एसडी कार्ड फॉर्मेट हो रही है। आपकी एसडी कार्ड जैसे ही फॉर्मेट हो जाएगी आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा मूव करने का। तो जो भी सिस्टम उसके द्वारा जो मूव कर सकता है वो कर देगा। अभी यहीं से मूव नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये मूव होगा, यहाँ से मूव एप्लीकेशन हो जाएगी। ये सारी मूव हो रही है एप्लीकेशन धीरे धीरे। ये देखिए ये पूरी फाइल्स जो जाने जैसी थी एसडी कार्ड में चली गई हैं सब। अब आपको मैं बता देता हूँ कि आप मैन्युअली ये सब कैसे कर सकते हैं। कोई नई ऐप आपने जब इंस्टॉल करी अपने फ़ोन में तो आपको जाना है इंटरनल स्टोरेज में। इंटरनल स्टोरेज जब जैसे ही खुल जाएगी आपकी लोड हो जाएगी, उसके बाद आपको जाना है नीचे ऐप्स में अदर ऐप्स पर आपको क्लिक करना है। देख लीजिए मैं आपको आरोग्य सेतु मूव करके दिखा देता हूँ। आरोग्य सेतु आप जब इस पर टैप करेंगे तो ये देखिए चेंज लिखा रहा है मेरे पास। बस आपको कुछ नहीं करना है, चेंज और ये एसडी कार्ड पर टिक करके मूव कर देना है। तो ये होगा आपकी एप्लीकेशन मूव। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।